नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट वर्कल बेस्ड ऑफिसर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आप किन्हीं कारणों से एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पाए थे तो अब आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर लें। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आप 17/12/23 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो चलिए ब्रीफ में इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन टेस्ट जनवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को चुने हुए सर्कल में ही पोस्ट किया जाएगा। लेट सपोज आप अहमदाबाद सर्कल से अप्लाई करते हैं तो आपको गुजरात, दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दियो में ही पोस्ट किया जाएगा। देखिए, अगर आप अहमदाबाद सर्कल से अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप भोपाल सर्कल से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों, आप यहां से सर्कल वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से सर्कल में रेगुलर वैकेंसीज कितना है, वेकलोक वैकेंसीज कितना है। ओके, टोटल वैकेंसीज 5,280 हैं। ठीक है, अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, मेडिकल इंजीनियरिंग और चार्टेड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, एज ऑन 31/10/2023। डेट ऑफ बर्थ 11/11/1993 से लेकर के 31/10/2002 के बीच में होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप अदर्स के लिए एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में क्या मेंशन किया गया है। देखिए, जिस भी सर्कल से आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे उस सर्कल का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लैंग्वेज आने के साथ ही साथ 10th में या फिर 10+2 में आप स्टडी किए हुए होने चाहिए। अगर 10+2 या फिर 10th में आप स्टडी नहीं किए हुए हैं तो आपसे लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया जाएगा। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। आप इसमें सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनलाइन कैसे दें। देखिए, कंप्यूटर में आपको टाइप करके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो 2 घंटा का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। बैंकिंग नॉलेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक सेक्शन के लिए अलग से टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। दोस्तों देखिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करें, ठीक है, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट पे बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको एफ ए और लेटर को लिखना है, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और टेस्ट जो है वो आपको फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ओके, अब दोस्तों इंटरव्यू देखिए, 50 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिस भी डेट से आप ज्वाइन करेंगे उस डेट से आपको फिक्स मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, आपको परखा जाएगा आप कितने अपने काम के प्रति डेडिकेट हैं, ये सब चेक किया जाएगा। आप प्रोबेशन को वन काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ट्रेनिंग है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड। अब दोस्तों देखिए, इमोल्यूमेंट्स जो है स्टार्टिंग बेसिक पे 36,000 दिया जाएगा। ठीक है, पे का अपकेल 36,000 से लेकर के 63,840 रुपये तक दिया जाएगा। और देखिए, जो कैंडिडेट्स के पास फिडुल्ड कॉमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक का एज एन ऑफिसर 2 ईयर या फिर 2 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा, वैसे कैंडिडेट्स को
दो एडवांस इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आप मेंशन कर दें कि हाँ एक्सपीरियंस है 2 ईयर या फिर 2 ईयर से ज़्यादा का, जितने भी ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। और आपको देखिए सर्टिफिकेट भी शो करना होगा एक्सपीरियंस का, ऐसा नहीं है कि आप फिर बोल दिए कि हाँ एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। अब दोस्तों देखिए इमोल्यूमेंट्स के अलावा आपको और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि DA हो गया, HRA हो गया, लीज रेंटल हो गया, CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फी को, कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन का फी पे करना होगा। देखिए जनरल EWF और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ पे करने होंगे। SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और दोस्तों देखिए एक बार आप एप्लीकेशन फी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप 100% इस सर्विस में सर्व करना चाहते हो, अदरवाइज आपका 750 रुपीज़ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है अब दोस्तों बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू, आपको एडमिट कार्ड के अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है कलरफुल में, साथ ही साथ आपको ID के प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड, इनमें से एक आपको लेके जाना है। ठीक है अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन में चीट वगैरह करते हैं तो क्या आपको पेनल्टी दिया जाएगा, तो ये सब आप देख सकते हैं। आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ नहीं करना है एग्जामिनेशन के दौरान, आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का चीटिंग वगैरह नहीं करना है। ठीक है तो ये सब आप ध्यान रखें। अब दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं घिंचना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्रीफ डिस्कशन है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।